अमृत बेटा आगे आओ, क्या बात हुई, क्या चीज मुश्किल लगी अमृत? हाँ, माइक के पास आओ, माइक है यहीं पे। अच्छा हाँ बेटा, क्या चीज मुश्किल लगी, टेस्ट में क्या चीज नहीं समझ में आई? सुनेगा माइक पे बोलो, माइक पे बोलो। हाँ कोई बात नहीं, इंग्लिश हिंदी मैडम तो चलो इंग्लिश में कह रही है, बट आप हिंदी में बता सकते हो, हिंदी में बताओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ लाउड क्या स्पीच चीज नहीं समझ में आई बोलो। हाँ मैम हाँ डोंट शाई ऑफ, बताओ। या तो देखो दो चीजें हो सकती है, या तो आपने अपना होमवर्क नहीं किया, टेस्ट की प्रिपरेशन नहीं की, या आपको समझ में नहीं आई जो मैम ने समझाया, जो इधर दीपा मैम ने समझाया, क्या नहीं किया, नहीं समझ में नहीं आया। कौन सा टॉपिक नहीं समझ में आया? डिस्काउंट नहीं समझ में आया, जीएसटी नहीं समझ में आया? गया। जीएसटी नहीं समझ में आया बेटे, जीएसटी के क्वेश्चंस तो सिर्फ दो थे, बाकी तो आपने, तो आज ना आपने, अभी मैम बुलाती है आपको, तो करके आज हमने ये प्रॉपर करके जाना है कि भी ऐसे नहीं कि भी समझ में नहीं आया, ठीक है? मैम को बताना है कि भी हमें क्या चीज नहीं समझ में आई, ठीक है बेटा? हमने डाउट्स लेके घर पे नहीं जाना है। आप बैठो मैम, मैम एक सागर को भी बुलाएं, सागर शर्मा को। मैम सागर शर्मा और सागरदीप, सागर शर्मा, सागरदीप सागर ने तो टेस्ट ही नहीं दिया था। हाँ जी सागर बेटा, आप बताओ बच्चे, क्या क्या प्रॉब्लम रही, क्यों क्वेश्चन को मैं समझने में टाइम लग रहा था। टाइम? बेटा देखो, ना तो साइंस आप कर पाए और ना मैथ्स कर पाए, दोनों में ही आपने कुछ नहीं किया। डोंट शाई ऑफ, है ना? हमें ये नहीं कि मैम ने मुझे स्क्रीन पे बुला लिया, ये किसी चीज में नहीं, हमने, क्योंकि हमने इम्प्रूव करना है, ठीक है? आर यू रेडी टू इम्प्रूव? Yes. ठीक है, तो अब एक तो पहली बात, सागर आपने अगली बार से, मैम जरा इन बच्चों को ना, मतलब सागर को आगे बिठाना जरा, है ना, ये कितनी पीछे बैठा हुआ है, ठीक है? तो थोड़ा सा इसके लिए आगे जगह क्रिएट करो ताकि ये आगे बैठे। हाँ बेटा, समझ, क्वेश्चंस पढ़ने में समझने में आपको टाइम लग रहा था बेटा। साइंस के क्वेश्चंस तो कुछ तो बिल्कुल ही सीधे थे बेटा, जो मैंने पढ़ाया था वो आपको समझ में आया था, यस तो फिर उसमें क्यों नहीं आया है? मैथ्स में आपको मैथ्स का फोबिया है, डर लगता है मैथ्स में से? होता है बेटा, बहुत बच्चों को डर लगता है कि हाय मैथ्स आ गया, हाय हमारी तो जान ही निकल गई, बस मैथ्स ना हो बाकी सब कुछ ठीक है, ऐसा कुछ लगता है? बोलो, मैथ्स करने में आपको अच्छा लगता है कि अच्छा नहीं लगता? बहुत सारे बच्चों को नहीं अच्छा लगता, वो हम फिर देखें कि आपको कैसे अच्छा लगे। हाँ बोलो। लगता भी हमें नहीं भी लगता। नहीं मेरा मतलब, जो चीज आ जाती है वो आप कर लेते हो, और जो चीज नहीं आती वो समझते नहीं हो, होमवर्क करते हो घर जाकर? आपने मुझे बताओ कि अगर चलो नहीं समझ में आया आपको, आपकी टीचर ने भी समझाया, इधर मैम ने भी समझाया, इसका मतलब ये चीज नहीं समझ में आई, क्या आपने दोबारा से वीडियो देखी घर जाकर? देखी आपने वीडियो, विजिट की? नहीं बेटा, यूट्यूब पे सब लिख लो एक बार। बैठो बेटा सागर, बैठो, कोई बात नहीं, हमने काम करना है आज जम के। एवरीबडी मैम जरा इन सागर को देखो, ये सबसे पीछे बैठा हुआ है, इसको आगे कहीं इसकी सीट का अरेंजमेंट करो। Yes. कम है। तीन बैठ जाएंगे बच्चे, क्या है? हाँ बेटा, अगर बॉयज काम नहीं करेंगे तो फिर आगे चल के क्या करेंगे? लड़कियां तो अब भी सब जगह आगे जा रही हैं, ठीक है? तो रोल रिवर्सल हो जाएगा बेटा, है ना? अभी तो फिर भी गर्ल्स कुछ घर का काम करती हैं, और फिर भी दे आर गुड एट होम, दे आर स्टिल, मेनी गर्ल्स आर होम मेकर्स, बट इफ द बॉयज डोंट पे अटेंशन इन देयर स्टडीज, देन आफ्टर 10 ईयर्स दे विल बी द होम मेकर्स। आई डोंट थिंक देयर इज बैड थिंग, बट फिर भी हम चाहते हैं कि सब जो है वो अच्छा काम करें और अच्छी तरह समझें, ठीक है? इसलिए अब इधर उधर ध्यान नहीं, मैं स्पेसिफिकली बता रही हूं, 8th A अमृत सिंह,
मैम इनकी तरफ जरा ध्यान देना, अरमान, गुरनीत, अरमान गुरनीत कौर, गुरशरण सिंह, हरमन, हरमन सिंह, हरमनप्रीत कौर, हीरा लाल, रविंदर सिंह, सागर शर्मा, समीर शर्मा, शिवम, शुभ कुमार, सिमरन, त्रिशापुरी, और 8th B में से एक मेन है, दैट इज हर्षदीप सिंह। मैम हर्षदीप को आगे बिठाओ जरा, देखो ये सब बच्चे पीछे बैठे हुए हैं। 8B 8th B हर्षदीप सिंह, आगे बिठाओ इसको। वैसे तो सिर्फ अगर हम टू अवर सेटिस्फेक्शन अगर किसी बच्चे के मार्क्स है तो 8th A में किरणदीप कौर, किरणदीप जरा खड़े हो जाओ, वेरी गुड। एंड और 8th B में है जी अंकित, अंकित जरा खड़े हो जाओ। बहुत सेटिस्फेक्शन तो नहीं है बट फिर भी अंकित, एंड देयर इज वन हरलीन कौर एंड अनदर इज सुखमन, 8th B सुखमन। चलिए जी ये 3-4 स्टूडेंट्स हैं जिनके अबव 20 मार्क्स है, तो हम थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन कर रहे हैं, ठीक है। तो बेटा और अच्छा, हैव ए क्लैप फॉर दीज 3-4 स्टूडेंट्स, ठीक है। दे हैव गॉट 25, 24, 23 मार्क्स एंड 22 मार्क्स, ठीक है, स्टिल गुड। ठीक है बैठो, क्योंकि अभी आपको ऐसे क्वेश्चंस करने की हैबिट नहीं है, ठीक है, इसलिए थोड़ी सी मुश्किल आ रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट फिर भी मैथ्स के क्वेश्चंस तो सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है जी। तो इसलिए बहुत ध्यान से, मैम जितने बैक बेंचर्स है प्लीज टेक केयर ऑफ दीज बैक बेंचर्स। आगे वाले तो वैसे तो हमारे लिए कोई बैक बेंचर्स और फ्रंट बेंचर्स नहीं है, बट जो टीचर्स है पीछे वाले स्टूडेंट्स की तरफ खास ख्याल रखें, ठीक है जी। अब बेटा एक काम आपने करना है कि जूम डाउनलोड करना है। बेटा पिछली बार हमने कुछ बच्चों की एक्स्ट्रा क्लास लेनी चाही थी बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कैन नॉट कनेक्ट विद जूम, तो आपने स्टेप्स मैं बता रही हूं कि क्रोम पे जाकर जूम डॉट यूएस, पहले इस पे जाना है और फिर यहां पे एक बॉक्स बना होगा जहां पे लिखा होगा साइन अप फॉर फ्री, आइटम लिख लो, इस पे क्लिक करना है। नो टॉकिंग, नो टॉकिंग, इस पे क्लिक करना है। उसके बाद आएगा बर्थ ईयर, जब इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आएगा बर्थ ईयर। बेटा आपके बर्थ ईयर से, क्योंकि अबव 18 इयर्स पे ये कनेक्ट करता है, इज इट राइट, तो आपने अपना नहीं पेरेंट्स से जूम इन करवाना है, साइन अप पेरेंट्स का करवाना है, तो यहाँ पे बर्थ ईयर ऑफ पेरेंट्स भरना है। ठीक है जी। उसके बाद देन इट विल कॉन्टिन्यू करके यहां पे आपको क्या पूछेगा, नेक्स्ट आ जाएगा ईमेल आईडी। आपने ईमेल आईडी भरना है, फिर इसी ईमेल आईडी पे कोड आएगा, एक कोड ऑन ईमेल आईडी, अपने ईमेल आईडी खोलना है और उस पे एक कोड आएगा, उस पे एक कोड आएगा 58129, 55134, जो भी कोड आएगा। देन फिर आपने इस कोड को फिर यहां पे जाना है और यहां पे आपने कंटिन्यू करके देन फिल इन द कोड, आपने ये कोड भरना है और उसके बाद देन फिर आएगा क्रिएट एन अकाउंट, उसमें आपने पासवर्ड और जो भी सेट करना है वो करके, और फिर देन साइन इन करना है। जब आप साइन इन कर लेंगे, जब आपका सक्सेसफुल साइन इन हो जाएगा, तो फिर आपने लिखना है ज्वाइन द मीटिंग।
ये आप एक बार साइन इन कर लोगे, उसके बाद रेगुलर आपने ज्वाइन इन ही करना है और कुछ नहीं करना, ठीक है जी? तो ज्वाइन ज्वाइन करना है, ज्वाइन में जो हमने पासकोड एंड पासवर्ड जो भेजा होगा वो फिल करके हम आपको एंट्री दे देंगे, आपका ज्वाइन हो जाएगा। इज इट ओके, क्लियर टू एवरीबडी? ठीक यस है, तो आज रात को 8 o'clock, आज आपने सबने ये काम करना है, और लिख लो 8 o'clock जो है, हमने ज्वाइन करके एक बार चेक करना है। इज इट राइट? ठीक है, मैं आपको अभी, मैम हमारा क्या है, पासवर्ड एंड पास कोड है ना? 5 8 1 4 हाँ और आईडी तो सर का फोन है ना। हाँ जी, नाइन फोर वन सेवन सिक्स जीरो, क्या है सर का नंबर, क्या है? नाइन फोर वन सेवन सिक्स जीरो नाइन ट्रिपल फोर नाइन आईडी पहले लिखते हैं बाकी वाला चलो, पहले फिर से। ये बेटा आईडी पहले लिख लेना है, जूम आईडी है 9417609444, लिख लो ये। एंड पास कोड है 5812999, और ये हमने शाम को चेक करना है 8 o'clock। Is it okay? ठीक है, तो और ये सिर्फ एंड्रॉयड फोन से या एंड्रॉयड आपके लैपटॉप कंप्यूटर से होगा, ये आईफोन्स वगैरह से नहीं होगा। यूज एंड्रॉयड फोन्स, ठीक है? तो हमने शाम को ये 8 o'clock हमने चेक करना है एवरीबडी, राइट? ठीक है, चलिए जी। अब जो है, बातें नहीं, ठीक है? और आज मैम पहले आपको टेस्ट डिस्कस करवाएंगी, फिर आगे। और मैम जिसको भी जो भी प्रॉब्लम हो, प्लीज उस बच्चे को आप थोड़ा सा देखो, और मैंने स्पेसिफिकली नाम बता दिए, अमृत, अरमान, गुरनीत, वैसे तो बहुत ही बच्चों के नंबर तो हर एक के ही कम है, ठीक है? गुरशरण, बेटा गुरशरण 8th है, कहाँ है गुरशरण? हाँ बेटा, मैम इसको भी आगे बिठाओ जरा, कोई बात नहीं बेटा, आप आगे बैठो जरा, ठीक है? क्या बात हुई बेटा, आपने रिवीजन नहीं की थी साइंस की, मैथ्स की, क्या किया? हाँ जी, रिवीजन नहीं की थी कि हमारा पढ़ाया कुछ समझ ही नहीं आया? हाँ, जोर से माइक अपने मुंह के पास लो, उठा लो जरा। हाँ, रिवीजन क्यों नहीं बेटा, जब टेस्ट तो मैं कितने दिनों से कह रही थी, है ना? चलो बैठो, कोई बात नहीं, अगली बार प्रॉपरली, और अगली बार बेटा इट विल बी, या जिसके पूरे मार्क्स आएंगे दे विल गेट, देखो इस बार पूरे मार्क्स नहीं आए, मैंने आपको कहा था जिसके पूरे मार्क्स आएंगे दे विल गेट गिफ्ट, राइट? ठीक है, एंड आई होप एवरीबडी विल गेट फुल मार्क्स, यस और नो? चलिए ठीक है। और एक और अनाउंसमेंट कि सैटरडे को आपकी साइंस की क्लास है सुबह 9 बजे, एंड रिवाइज मैम इनको जरूर याद करवाना, वैसे तो आप मैथ्स टीचर्स हो, बट साइंस का आपने लाइट रिवाइज करके आना है बच्चों, इज इट ओके? आज पढ़ के आओगे लाइट के बारे में? चलो, जो भी मैम ने आपको करवाया है उसके फर्स्ट 3 पेजेस आपने पढ़ के आने, ज्यादा नहीं, सिर्फ 3 पेजेस पढ़ के आने, ओके? ठीक हाँ यस
ठीक है, एवरीबडी 8th B ऑल्सो, ठीक मैम है, चलिए, ताकि मैम जो है फिजिक्स पढ़ाएंगी, अभी तक तो मैं पढ़ा रही थी, अब दूसरी मैम आएंगी फिजिक्स पढ़ाएंगी, तो ये ना हो वो कहीं बच्चों ने रिवाइज तो किया नहीं, मैडम आपने, फिर वो मुझे कहेंगे कि आपने बच्चों को बताया नहीं, ऐसा तो नहीं ना होगा। चलिए ठीक है, चलिए अब किसी के पास अगर टेस्ट कॉपी है, जो टेस्ट की कॉपी है, पेजेस है, तो वो निकाल लो, नहीं है तो मैम यहाँ पे आपको डिस्कस करवाती है, और जो जो डाउट्स हो वो आप मैम से पूछना, मैम नहीं तो मैम पूछ लेंगी। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मैम क्या बात बच्चों, इतने इतने गंदे गंदे नंबर लाओगे तो कैसे बात बनेगी फिर ना? चलो जी, अब सबसे पहले जो होना था वो तो हो गया, एंड आई थिंक ज्यादा नहीं होना बुरा। जो मुझे समझ में आता है, आप लोगों ने एक तो कुछ पढ़ा नहीं घर पे, जहां तक मुझे समझ में आता है, क्योंकि देखो आपका एक बार स्कूल में चैप्टर हुआ, एक बार यहाँ पे चैप्टर हुआ, उसके बाद भी अगर आप परफॉर्म नहीं कर रहे हो, इट मींस कहीं ना कहीं आपके एंड पे काम करने की जरूरत है, एंड आई थिंक यू शुड रियलाइज इट, क्योंकि साल खत्म होने को आ रहा है, अब आपके एग्जाम होंगे, फिर अगर वहां पे ऐसी परफॉर्मेंस आएगी तो फिर बड़ी दिक्कत वाली बात हो जाएगी। चलो आज हम सिर्फ, क्योंकि फर्स्ट टाइम आपने टेस्ट दिया, शायद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और ये सब आप टेस्ट में नहीं करते हो, तो ये भी एक वजह हो सकती है कि आप उसको उतनी तरीके से नहीं कर पाए हो, एक वजह हो सकती है ये। लेकिन अब आपको ये पता है कि आगे जब आप बड़ी क्लासेस में जाने वाले हो 9th 10th में, आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी आने हैं पेपर में, आपके पास केस स्टडीज भी आनी है, आपके पास असर्शन रीजन भी आने हैं, इसीलिए आप ही की क्लास से हमने ये काम शुरू कर दिया, ताकि जब आप बोर्ड क्लासेस तक पहुंचो या बड़ी क्लासेस तक पहुंचो तो आपके लिए कोई नई चीज ना हो, जैसे नई होने की वजह से अभी में भी आपको दिक्कत आ रही है, उस टाइम पे आपको ये दिक्कत ना आए। ठीक है जी, अब मैं एक एक करके बच्चों के नाम लूंगी, वो अपनी सीट पे या माइक के पास आके मुझे सबसे पहले से हम क्वेश्चन रीड करेंगे, मुझे एक एक स्टेप से बताना है क्या समझ में आ रहा है और क्या समझ में नहीं आ रहा है, सबसे पहले हमने आज यही काम करना है। ठीक है जी, तो 8A अमृत सिंह, फटाफट आते जाओ माइक के पास, जिसका मैं नाम ले रही हूँ। हाँ अमृत सिंह बेटा, पहला क्वेश्चन कह रहा है मेरे को, द फर्स्ट क्वेश्चन सेज द कॉस्ट ऑफ द आर्टिकल वाज रुपीज इतना, मतलब ये सीपी है, एसपी है, एमपी है, क्या है बच्चे? सीपी। सीपी फिर उसके बाद मुझे कहा गया ₹500 वॉज स्पेंट ऑन इट्स रिपेयर, एक आर्टिकल की कॉस्ट 15,500 थी, उसके ऊपर ₹500 और खर्च कर दिए गए। अगर उसके ऊपर ₹500 खर्च किए गए हैं बेटा, तो क्या वो उसकी कॉस्ट में ऐड होंगे या प्रॉफिट में जाएंगे? कहाँ जाएंगे ये ₹500 जो खर्च कर दिए उसके ऊपर? सीपी सीपी में ही जाएंगे। इसका मतलब मेरे पास कॉस्ट थी 15,500, उस पर ₹500 मैंने और खर्च कर दिए, तो अब अगर मैं बात करूं तो मेरा सीपी ऑफ आर्टिकल कितना हुआ बेटा? ₹16,000, 15,500, ₹500 ये मैंने उसमें और डाल दिए, तो मेरे पास 16,000 इज दी सीपी ऑफ द आर्टिकल। बैठ जा बेटा। अरमान, अरमान ये थे। हाँ बेटा आगे पढ़ो जरा क्वेश्चन। इफ इट इज सोल्ड फॉर अ प्रॉफिट ऑफ 15%, तो ये 15%, ये तो सामने से ही दिख रहा है कि मुझे प्रॉफिट दे रखा है, प्रॉफिट कितना दिया है बेटा? 15%। और मेरे से निकालने को क्या बोला गया? सर सेलिंग प्राइस। अब सबसे पहले तो मुझे पूरे क्वेश्चन में सारे बच्चे ये बताएंगे कि ऐसा क्या चीज है जो समझ में नहीं आई, इज देयर एनीथिंग विच इज नॉट अंडरस्टैंडेबल? चार चीजें मुझे इसमें से निकालनी थी, एक 15,500 कॉस्ट, उसके ऊपर ₹500 और खर्च किए गए, मतलब टोटल कॉस्ट प्राइस 16,000 हो गया, फिर मैं उसके ऊपर प्रॉफिट अर्न कर रही हूँ कितना? 15%। मेरे से पूछा गया है सेलिंग प्राइस निकालो, बता बेटा सेलिंग प्राइस कैसे निकलता है, जब कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट परसेंटेज दिया हो तो सेलिंग प्राइस कैसे निकाला जाता है? बोल बेटा।
चल एक बात बता बेटा, अगर मुझे प्रॉफिट हो रहा है तो मेरा सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होना चाहिए कि कम होना चाहिए? कम सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम होएगा तो प्रॉफिट हो जाएगा। बेटा आप कोई चीज 10 रुपए की लाए और आपने 8 रुपए में बेच दी तो आपको नुकसान हुआ कि फायदा हुआ? नुकसान नुकसान हुआ ना। तो फिर आप कैसे कह रहे हो अगर प्रॉफिट हो रहा है, आप चीज लेकर के आए 10 रुपए की तो कॉस्ट प्राइस 10 हुआ, आपने उसको सेल किया 8 रुपए में तो आपका सेलिंग प्राइस अगर कॉस्ट प्राइस से कम है तो आपको नुकसान हो रहा है कि फायदा हो रहा है? बेटा नुकसान इसका मतलब अगर मुझे प्रॉफिट कराना है, मेरे को तो प्रॉफिट कहा गया, अगर मेरे को प्रॉफिट करवाना है इसका मतलब मेरा जो सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होना चाहिए कम होना चाहिए? ज्यादा ज्यादा। अब एक बात और बता दो मुझे कि अगर मेरे पास कॉस्ट प्राइस है, प्रॉफिट है और सेलिंग प्राइस है तो मैं क्या रिलेशन यूज करूं? किस रिलेशन से मैं अपना आंसर निकालूंगी ये बताना है अब आपने मुझे। सेलिंग प्राइस में, कॉस्ट प्राइस में और प्रॉफिट में क्या रिलेशन होता है बेटा? काम बिल्कुल करा नहीं ना, तभी तो दिक्कत है। हाँ जी, मेरे को गुरमीत कौर बताओगे बेटा? आप बैठो सीट पे, ध्यान से सुनना जरा, गुरमीत क्या बता रही है हमें। सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट, कोई रिलेशन होता है बच्चे इसमें? बोल बेटा, मैम बताओ क्या रिलेशन होता है? बता बेटा बता, अगर मेरे को सेलिंग प्राइस दिया है, कॉस्ट प्राइस दिया है और प्रॉफिट दिया, मान लो मेरे को कहा गया कि मेरे पास कॉस्ट प्राइस किसी चीज का 100 रुपए है और मेरे को इसके ऊपर जो प्रॉफिट हुआ है वो 15 रुपए का हुआ है और मुझे कहा जाए सेलिंग प्राइस बताओ, तो कैसे निकालोगे बेटा? सेलिंग प्राइस का मतलब समझ में आता है, जिसमें मैंने चीज को सेल किया। अब ध्यान से मेरी बात सुनना बेटा, आप कोई चीज 100 रुपए की लेके आए और आप चाहते हो कि उसको बेच के आपको 15 रुपए का फायदा हो जाए, तो कितने में बेचोगे? ये तो सिर्फ कॉमन सेंस की बात है बेटा। मैं आपको कह रही हूँ कि आप 100 रुपए में एक चीज लेके आए और आप चाह रहे हो कि जब आप उसे बेचें तो आपको 15 रुपए का फायदा हो जाना चाहिए, तो आपको कितने रुपए में वो चीज बेचनी पड़ेगी तो 15 रुपए का फायदा मिलेगा? मैम 115 115 में बेचनी पड़ेगी। तो क्या मैं कह दूं कि मेरा जो सेलिंग प्राइस होगा वो कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट को ऐड करके आता है? ये बात समझ में आती है? आती है बच्चों समझ में? चलो ठीक है, अरमान आपको ये बात समझ में आई? अब मेरे को गुरशरण सिंह ने बताना है कि अगर प्रॉफिट, कहाँ है जी गुरशरण? हाँ बेटा, अब अगर मैं कहूं कि मैंने एक चीज 100 रुपए में ली और प्रॉफिट की बजाय मेरे को उसके ऊपर 15 रुपए का लॉस हो गया, तो मैंने वो चीज कितने में बेची होगी बेटा? मैम दोबारा बोल बेटा, ठीक बोल रहा है? जोर से बोल, क्वेश्चन रिपीट क्वेश्चन रिपीट करूं। 100 रुपए में मैंने एक चीज ली, ठीक है, मेरी किसी भी चीज की कॉस्ट 100 रुपए थी, लेकिन जब मैंने उसको बेचा तो मेरे को 15 रुपए का नुकसान हो रहा है। क्या हो रहा है मुझे 15 रुपए का नुकसान नुकसान? इसका मतलब मैंने कितने में चीज बेची होगी तो मुझे 15 रुपए का नुकसान हुआ? 80 रुपए में बेची, 85 में बेची, 90 में बेची, 70 में बेची, कितने में बेचूं तो 15 रुपए का नुकसान होगा? मैम 85 में। इसका मतलब अगर मेरे को लॉस हो रहा है तो जो सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट से आया या कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस से आएगा अगर लॉस हो रहा है तो? हाँ जी,
कॉस्ट प्राइस प्लस लॉस करूं तो सेलिंग प्राइस आता है, या कॉस्ट प्राइस में से लॉस निकाल दूं तो सेलिंग प्राइस आता है? प्लस प्लस कर दूं? अच्छा बेटा, आप कह रहे हो सीपी में मैं लॉस को ऐड कर दूं तो एसपी आएगा। लो जी, सीपी है 100 रुपए, लॉस हुआ 15 रुपए का। इसका मतलब आप कह रहे हो मैंने 115 रुपए में चीज बेची, लेकिन अभी तो आपने कहा 85 में बेचनी पड़ेगी। माइनस तो यही बातें सिर्फ समझनी है बच्चों हमें, कोई ये रॉकेट साइंस नहीं है जो हमें समझ नहीं आती। हमने जब तक हम चीजों को समझ के अपनी डेली लाइफ से रिलेट करके नहीं देखेंगे तब तक चीजें नहीं आएंगी। रट्टा नहीं मारना होता हमने फॉर्मूलाज का, समझना होता है हमने। एक सिंपल सी बात, आपको अगर किसी चीज को बेच के नुकसान हो रहा है, मतलब आपने जितने में चीज ली थी उससे कम में बेच रहे हो, सॉरी, और कम का मतलब क्या है, माइनस करोगे तो चीज कम होती है, अगर उसमें कुछ ऐड करते हो तो बढ़ जाती है, कम नहीं होती है। ठीक है जी, बैठो सीट पे। तो यहां पर दो बातें जो हमारे पास अभी तक मेन निकल करके आई वो क्या, एसपी सीपी माइनस लॉस। सीपी में से लॉस निकाल दो, 100 में से 15 रुपए निकाल दिए तो पता चला कि 85 रुपीज में मैंने सेल की थी इसीलिए मुझे 15 रुपए का नुकसान हुआ। लेकिन अगर मुझे प्रॉफिट हो रहा है तो सीपी प्लस प्रॉफिट, एक तरीका। दूसरा तरीका, आपको ये बात तो समझ में आनी ही चाहिए कि जिस प्राइस पे आप बेच रहे हो अगर वो ज्यादा होगा उससे जिस पे खरीदी थी तो प्रॉफिट होगा, कम पे बेचोगे तो नुकसान होगा। 10 रुपए की चीज लाए 8 रुपए में बेची तो नुकसान ही होने वाला है, 10 की चीज ला के 12 रुपए में बेचोगे तभी तो बेनिफिट होगा। ज्यादा का मतलब एडिशन, कम का मतलब सब्ट्रैक्शन। तो अब ऑनेस्टली मैं किसी को पिन पॉइंट नहीं कर रही हूं, किसी का नाम नहीं ले रही हूं, सबसे पहले मुझे ये बात बताओ क्या ये दो चीजें सबको समझ में आई हो? अब देख लो फिर से टेस्ट होएगा इसी चैप्टर का, अगर फिर से गलतियां हुई तो फिर पनिशमेंट भी मिलेगी। जिसके पूरे नंबर आएंगे मैम ने कहा कि उसको प्राइज मिलेगा, तो जिसके कम आएंगे फिर पनिशमेंट भी मिलती है साथ में। सामने से पूछ लो अभी, यू हैव अ चांस टू आस्क। मैं वापस सारा कुछ, ये तीसरी बार आप चीजें समझ रहे हो, पहली बार आपको स्कूल में आपकी टीचर्स ने पूरा टाइम लगा के समझाया, फिर हमने यहाँ पे किया, और अब हम फिर से वी आर डूइंग इट थर्ड टाइम। अगर अभी भी डाउट कोई रह जाएगा बच्चों तो गलती तुम्हारे एंड पे है। बताओ जी, यहाँ तक बात ठीक है? सेलिंग प्राइजेस कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस एंड सेलिंग प्राइजेस कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। दूसरी चीज जो समझनी है दैट इज, यहां तो हमने कह दिया 100 रुपए सीपी और 100 रुपए ही 15 रुपए ही लॉस, लेकिन हमें लॉस और प्रॉफिट जनरली परसेंटेज में दिए जाते हैं। जैसे यहां पे कहा गया 15% का प्रॉफिट। हीरा लाल, हाँ जी कहाँ है हीरा लाल जी, आगे आ जाओ बेटा। हाँ जी बच्चे, अगर मैंने कहा कि मुझे 15% का प्रॉफिट हो रहा है ये 15% किसका है, कॉस्ट प्राइस का 15% की सेलिंग प्राइस का 15%? कॉस्ट प्राइस कॉस्ट प्राइस का। अब मेरे को आपने एक चीज बतानी है, क्या भला, कि 15% प्रॉफिट निकालना है। यहाँ पे ये जो प्रॉफिट दिया, ये जो सेलिंग प्राइस दिया ये रुपयों में दिया, लेकिन ये परसेंटेज में दे दिया। अब हमें एक बात पता है कि जो लाइक चीजें होती हैं वही ऐड होती है, जैसे हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में भी बात की, जो लाइक टर्म्स होते हैं वही ऐड हो सकती हैं। अब अगर ये रुपए में दिया है ये परसेंटेज में, तो इन दोनों को तो मैं ऐड कर नहीं सकती। मैं ये नहीं कह सकती कि सीपी में ये 15 ऐड कर दूं तो 16,015 मेरा सेलिंग प्राइस हो जाएगा, ऐसा तो मैं कर नहीं सकती। मुझे पहले इस 15% को रुपए में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आपने कहा
प्रॉफिट जो होता है वो क्या होता है, 15% ऑफ सीपी, ठीक है। जो प्रॉफिट होता है और जो लॉस होता है वो किसके बेस पे होता है, वो सेलिंग सॉरी कॉस्ट प्राइस के बेस पे, तो 15% ऑफ कॉस्ट प्राइस। अब मैंने इसमें रुपए ही ऐड करने हैं, परसेंटेज नहीं ऐड कर सकती मैं, दो अलग अलग चीजें ऐड नहीं होती, हमने समझा था पिछली क्लास में भी। अगर एप्पल और ऑरेंज है तो एप्पल ऑरेंज अलग अलग ही रहेंगे, एप्पल में एप्पल ही मिला सकते हो, एप्पल में ऑरेंज नहीं मिला सकते। इसका मतलब मुझे इस 15% को पहले रुपयों में कन्वर्ट करना है। बता बेटा 15% ऑफ सीपी का मतलब क्या है? ये कर तो लिया लेकिन कैलकुलेट भी तो करना पड़ेगा, बताओ जी क्या करूं अब मैं, कैसे निकालूं 15% ऑफ सीपी? बेटा परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना आता है, अगर मैं कहूं 15% को फ्रैक्शन में लेके आओ तो कैसे लेके आते हैं? पढ़ते होते थे 7th क्लास में, परसेंटेज को फ्रैक्शन में लाना है। रविंदर सिंह, 15/100, बिल्कुल ठीक है। तो 15/100 परसेंटेज का मतलब ही 100 है, ये 15 अपॉन में क्या कर दिया 100। ऑफ का मतलब क्या होता है बेटा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑफ? मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, ठीक है बेटा आप चलो सीट पे। मल्टीप्लाई किसके साथ मल्टीप्लाई करना बेटा, रविंदर सिंह बताएगा मुझे किसके साथ मल्टीप्लाई करूं? इस जो मैंने मैथमेटिक्स एक्सप्रेशन लिखा 15% ऑफ टीपी, अब इससे मुझे कैलकुलेशन करनी है। आपके फ्रेंड ने अभी बताया परसेंटेज का मतलब है, इसको फ्रैक्शन में बदलने का मतलब 15/100, ऑफ का मतलब होता है परसेंट मल्टीप्लीकेशन, और सीपी, सीपी कितना दे रखा है मेरे को बेटा, 16 16 के 16,000। इसको इससे काट दूं तो 15 × 160 करना जरा बच्चों, 15 × 160 क्या बनेगा जल्दी से बता दो जरा करके, अभी इसके पास कॉपी पेन नहीं है। 2400, 2400 रविंदर सिंह। अब मुझे एक बात बता बेटा, मेरे पास सीपी आ गया 16,000 रुपए दिया ही था, प्रॉफिट मैंने निकाल दिया 2400 रुपए। अब मुझे निकालना क्या है, आंसर किस चीज का चाहिए मुझे, सेलिंग प्राइस का चाहिए। अभी अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी कि अगर मेरे पास सीपी है, प्रॉफिट है, तो एसपी कैसे निकलता है? CP सीपी प्लस प्रॉफिट, बिल्कुल ठीक है जी। एसपी जो होगा वो होगा सीपी, वो कितना है 16,000 और प्रॉफिट हुआ 24,000। बता सकता है बेटा बिना पेन कॉपी के कि 16,000 में 2400 ऐड करूं तो कितना बनेगा? एटीन 18,400। ऐसे अगर कभी भी दिक्कत आ रही है तो क्या करो, 16,000 में 2000 ऐड कर लो पहले, 18,000, 18,000 में 400 ऐड किया तो 18,400, ये मेरा आंसर था। अब मुझे एक बात बता दो, इस क्वेश्चन में ऐसी क्या चीज थी जो बहुत ही मुश्किल पूछ ली, जो समझ में नहीं आई थी? ये क्वेश्चन आप सबको पता होगा किस किस का गलत है, हाथ खड़ा कर दो जल्दी से, ऑनेस्टली। पेपर सबके पढ़े, मैं अभी मंगवा भी लूंगी मैम को बोल के, सबको पता है क्या क्या आंसर मार्क करके आते हो, भूलते नहीं है इतनी जल्दी, जल्दी से हाथ खड़ा कर दो जिस जिसके क्वेश्चन गलत था, जिस जिसका, शाबाश फटाफट रेज योर हैंड, फटाफट फटाफट। हाँ देखो अब मुझे बताओ इसमें ऐसा क्या मुश्किल था जो इतने बच्चों का क्वेश्चन गलत हो गया? अब अपने आप ऑनेस्टली मुझे बताना, 8A में से ना 8B में से कौन आके आगे मुझे बताएगा? आप बैठो बेटा अपनी सीट पे चलो। 8B में से जिसका गलत हुआ किस पॉइंट पे गलती की है, कोई भी एक बच्चा, सिर्फ मैं देखना चाह रही हूँ, एक दो बच्चों को बुला के पूछना, इसलिए जरूरी है कि समझ में आए कि कहाँ पे गड़बड़। मैम आप प्लीज, जिन जिनका बच्चों ने हाथ खड़े किए थे गलत है, किन्हीं भी दो बच्चों को आगे भेज दो, किन्हीं भी दो को। एट बी में से एनी टू स्टूडेंट्स जिनका गलत था ये क्वेश्चन, आज बेटा माइक के पास, टाइम नहीं इतना खराब करो फटाफट, अभी एक ही क्वेश्चन डिस्कस हुआ और 20 मिनट क्लास के बचे हैं सिर्फ, बाकी कैसे डिस्कस होएगा? कहाँ गलती हुई, क्या बात समझ नहीं आई थी, ये बता दो मुझे। मैम मेरे को ना गलती से मैम मेरी जो वहां पर मैम नंबर्स दिए हुए थे वो मेरे से गलत लिखो गए थे। अच्छा मतलब आपने
फोकस होके क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं, जो नंबर दिए थे आपने वो गलत पढ़ लिए, बाकी कैलकुलेशन ठीक की थी, स्टेप्स ठीक किए थे, मतलब कैलकुलेशन थोड़ी सी ठीक ही थी, बाकी थोड़ा गलत हो गया मेरा। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया था कि परसेंटेज को कैसे कन्वर्ट करना है, वो सब कुछ आता था। ठीक है जी। और किसी की जिसके कॉन्सेप्ट में गलती हुई हो, 8A 8B, बच्चों यहाँ देखो आप अपने आप को इम्प्रूव करने आए हो, ये नहीं देखना कि पास बैठा क्या कहेगा जी, उसका तो ठीक हो गया था मेरा गया, आप ये समझ के चलो सारे मूर्ख हैं, मैं ही सबसे सयाना बाकी सब मूर्खी है, ये मान के चलो, क्योंकि आपने खुद को इम्प्रूव करना है और वो तभी करोगे जब अपने डाउट्स क्लियर करोगे, वरना कोई फायदा नहीं। कॉन्सेप्ट किस किस का गलत था, कैलकुलेशन गलत करी, नंबर गलत पढ़ लिए, चलो फिर भी बात समझ में आती है, कॉन्सेप्ट किस किस का गलत हुआ था? चलो अभी हम बहुत इस पे नहीं जा रहे हैं, सिंपल से मेरी बात एक समझ लो, प्रॉफिट लॉस में सबसे पहली चीज जो हमने सबसे पहली चीज पढ़ी, CPSP प्रॉफिट लॉस के रिलेशंस, वो हमें समझ में आने चाहिए। दूसरा, रुपए में रुपया ही ऐड होगा, रुपए में परसेंटेज ऐड नहीं हो सकती कि मैं सीधे सीधे ऐड कर दूं और काम कर लूं, इसका मतलब मुझे हमेशा परसेंटेज को पहले रुपयों में बदलना पड़ेगा, चाहे वो प्रॉफिट है चाहे वो लॉस है। और प्रॉफिट लॉस हमेशा सीपी का परसेंटेज होता है, ये जो परसेंटेज है इसको सबसे पहले फ्रैक्शन में लिखना होता है, आपको पता है डिवाइड बाय 100, जितने भी परसेंट है डिवाइड बाय 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन, और किससे मल्टीप्लाई होना है, सीपी से, बस इतनी बातें हमें समझ में आनी चाहिए। ठीक है जी, चलो जी अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, और मेरे पास जो नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है दैट इज दिस वन। अब पहले क्वेश्चन सब पढ़ लो, सब पढ़ लो ध्यान से क्वेश्चन। एन आइटम मार्क्ड एट ₹840 इज सोल्ड फॉर ₹714, द डिस्काउंट परसेंटेज इज व्हाट आई नीड टू कैलकुलेट। पढ़ लिया सबने? हाँ जी, ये जो मेरे को 840 दिया है, ये 840 अब क्या दिया गया है मुझे, ये एमपी है, एसपी है, सीपी है, क्या है ये? ये है एमपी, एमपी है ₹840, और ₹714 में मैंने इसको सेल किया, तो ये क्या हो गया, एसपी, एसपी है ₹714। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, आप मार्केट में गए, आपने एक कोई चीज खरीदी, उसके ऊपर वो लेबल लगे हुए होते हैं, उन्होंने अपने रेट रूट से लगा रखे होते हैं, उसके ऊपर ₹100 लिखा था, ठीक है, और वो आपको कहता है कि मैं ये जो चीज ₹100 के ऊपर लिखा है ना, मतलब वो ₹100 क्या है उसका, मार्क्ड प्राइस। अब शॉपकीपर आपको कहता है ये ₹100 की बजाय मैं आपको ₹90 में दे दूंगा, ठीक है जी, 100 की बजाय कितने में दे दूंगा, ₹90 में। तो अब मैं जिसको पूछूंगी वो मेरे क्वेश्चन का आंसर करेगा, सागर, 8A, सागर, सागर शर्मा। हाँ बेटा, अगर ₹100 लिखा था और शॉपकीपर आपको कह रहा है कि मैं ₹90 में दे दूंगा, तो उसने आपको कितने रुपए का डिस्काउंट दिया, ₹10 का। तो अब मैंने क्या कर दिया, मैं कर दूं डिस्काउंट कितना, ₹10 का। उस केस में यहां पे कितना डिस्काउंट है बेटा, चलो तो यहीं का ले लेते हैं हम, उस पे क्यों जाएं, अगर लिखा था ₹840, उसने आपको ₹714 में दिया, मतलब कितने रुपए का डिस्काउंट दिया बच्चे, बता सकते हो? 26, 126, 126, 10, इसको माइनस करना है, 10 माइनस 4 किया 6, ओहो, टू ₹126 का डिस्काउंट। अब यहां पे पूछा किसने गया है मेरे से, परसेंटेज, अब मेरे से रुपयों में तो डिस्काउंट पूछा ही नहीं, उसने कहा परसेंटेज में बता दो। अब जैसे जो हमारे पास सेलिंग प्राइस होता है या जो प्रॉफिट होता है, वो किसका परसेंटेज हमने अभी किया था बेटा, सीपी का, एसपी का, कि एमपी का, एससीबी। सीपी का।
डिस्काउंट किसका परसेंट होता है बेटा? मैं एमपी का। 100 100 रुपए पर इतना डिस्काउंट, 840 रुपए पर इतना डिस्काउंट, तो परसेंटेज निकालने के लिए क्या करूं? मुझे निकालना है परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट। बता बेटा क्या करूं? मैं डिस्काउंट ओवर डिस्काउंट ओवर परसेंट, परसेंट डिस्काउंट ओवर एमपी। जितना डिस्काउंट रुपए में आया, और क्योंकि एमपी पे कैलकुलेट होता है ये हमें पता है, तो नीचे क्या आ जाएगा? एमपी। और परसेंटेज निकालनी है तो क्या करूंगी? इनटू 100। बताओ जी जरा कैलकुलेट करना क्या आएगा। चलो आप भी सीट पे चलो, कैलकुलेट करो। निकल रहा है कुछ आंसर कि नहीं? नहीं निकालो निकालो जल्दी से। सॉल्व मैम सॉल्व कितना आया बताओ? मैम इसको इससे काट देते हैं, इसको 2 से काट दें, ये 5 आ गया, इसको 2 से काटेंगे कितना आएगा? 42 42। और 42 और 126 कैंसिल होते हैं किसी पे? मैम सीधा सीधा 3 पे कैंसिल हो जाता है, तो 5 × 3 15% का डिस्काउंट, मतलब ये मेरा आंसर है। सागर आपका ये क्वेश्चन गलत था कि ठीक था? हाँ जी सागर, क्वेश्चन ठीक था गलत था? गलत था। क्या गलती की थी बेटा ये बता दे। अब मुझे याद है कुछ क्या गलती की थी, या किया ही नहीं था? क्वेश्चन क्या था? गलत बोल दिया था मैं 126 अपॉन हमने मैं वो गलत ये ऐसी गलत नहीं हाँ ठीक है। तो अब समझ में आ गया, अब गलती तो नहीं करेगा बेटा? ठीक है। तो जो आपने चीज याद रखनी होती है वो सिर्फ और सिर्फ 2 3 बातें हैं जो याद रखनी है। प्रॉफिट निकाल रहे हो या लॉस निकाल रहे हो, तो हमेशा क्या चीज दिमाग में रखनी है कि किसके ऊपर कैलकुलेट होगा? कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट होगा। डिस्काउंट निकाल रहे हो तो किसके बेस पे कैलकुलेट होगा? एम पे प्राइस कैलकुलेट होगा। और अगर आप जीएसटी निकालोगे तो किस पे कैलकुलेट होगा? सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट होगा। 3 अलग अलग चीजें, 3 अलग अलग चीजों को बेस मान के कैलकुलेट की जाती हैं। ठीक है जी। चलो जी अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पढ़ लो जरा सारे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये थोड़ा सा क्वेश्चन सोचने वाला था। मार्क्ड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹500, उस पे वो 5% का डिस्काउंट दे रहा है, और फिर भी उसको कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 25% का। निकालना क्या है? कॉस्ट प्राइस। तो अब यहां पर पहले 2 क्वेश्चन में हमारे पास क्या था? सीपी था, प्रॉफिट परसेंटेज था, एसपी निकालना था। अगले में मार्क्ड प्राइस था, सेलिंग प्राइस था, डिस्काउंट का परसेंट निकालना था। अब यहां पर देखो, आपके पास एमपी भी आ गया, डिस्काउंट भी आ गया, प्रॉफिट भी आ गया, और निकालना क्या है? अब सीपी निकालना है। ठीक है जी। अब हम कैसे सोचें क्वेश्चन को? जो चीज निकालनी है सबसे पहले उसके ऊपर चलते हैं। निकालना क्या है मुझे? सीपी। अब सीपी के जितने भी रिलेशन मुझे मालूम है वो मुझे किसके साथ पता है? उसका रिलेशन एसपी के साथ बनता है, प्रॉफिट हो तो भी और लॉस हो तो भी। ठीक है। तो अगर मेरे को निकालना है कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए मेरे पास जो रिलेशंस हैं वो सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस और लॉस के हिसाब से चलते हैं।
अब मेरे को यहाँ पे प्रॉफिट दे रखा है क्वेश्चन में कि लॉस दे रखा है? प्रॉफिट प्रॉफिट, तो मैं सबसे पहले लिख लूं, अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा था अगर प्रॉफिट हो रहा हो तो एसपी किसके बराबर होता है? सीपी प्लस प्रॉफिट सीपी प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट और प्रॉफिट किसका परसेंटेज होता है? सीपी सीपी का होता है। अब मैं यहां पे देखना शुरू करूं, मेरे को कहा गया ये निकालो, प्रॉफिट परसेंटेज में मुझे दिया है, ठीक है, क्या सेलिंग प्राइस जो कुछ डाटा मुझे दे रखा है क्या उससे मेरा सेलिंग प्राइस निकल सकता है? कुछ समझ में आ रही है बात मुझे? क्या मैं सेलिंग प्राइस निकाल सकती हूँ? अब सेलिंग प्राइस पे जाने के लिए मुझे क्या क्या इन्फॉर्मेशन पता है? एक मुझे पता है मार्क्ड प्राइस, कितना है मार्क्ड प्राइस? 500 रुपए का। और दूसरी इन्फॉर्मेशन जो मुझे दे रखी है वो क्या दे रखी है? डिस्काउंट 5% का। अब जरा हम सोचें, अभी थोड़ी देर पहले हमने निकाला था कि जो सेलिंग प्राइस होता है वो कैसे आता है? मार्क्ड प्राइस में से डिस्काउंट को माइनस करके आता है या मार्क्ड प्राइस में डिस्काउंट को ऐड करके आता प्लस 100 रुपए की चीज, मतलब मार्क्ड प्राइस 100 रुपए, 10 रुपए का डिस्काउंट मिला, तो सेलिंग प्राइस 110 रुपए की 90 रुपए? 90 रुपए। तो मार्क्ड प्राइस में से डिस्काउंट को माइनस करूं कि मार्क्ड प्राइस में डिस्काउंट ऐड करूं? माइनस करना पड़ेगा। सेलिंग प्राइस होता है मार्क्ड प्राइस माइनस दी डिस्काउंट। इसका मतलब मुझे चाहिए था सीपी, सीपी निकालने के लिए मुझे एसपी और प्रॉफिट दो चीजों की जरूरत होती है। प्रॉफिट इन परसेंटेज तो मुझे दे रखा है, अगर मुझे एसपी मिल जाए तो मैं कुछ काम कर सकती। फिर दूसरी इंफॉर्मेशन मुझे एमपी और डिस्काउंट की दी है, एमपी और डिस्काउंट से मुझे पता है इसको यूज करके मैं एसपी निकाल सकती हूँ। लेकिन अभी अभी एक बात और हमने कही थी, ये दिया रुपए में, ये दिया परसेंटेज में, तो क्या मैं सीधे सीधे 500 में से 5 रुपए माइनस, 500 में से 5 माइनस कर दूं तो क्या एसपी मिलेगा? नो इसका मतलब पहले मुझे डिस्काउंट को रुपयों में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यस चलो जी, फिर अब मेरे को समीर ने बताना है। हाँ जी समीर। हाँ बेटा, अब आपके पास सिंपल सी बात मैंने आपसे पूछनी है, क्या ये जो डिस्काउंट परसेंटेज में दिया है मैंने इसको रुपयों में कन्वर्ट करना है, कैसे करूं? डिस्काउंट है 5%, ये 5% किसका? एमपी का, एसपी का, सीपी का, किसका? एमपी का एमपी का। वेरी गुड, तो डिस्काउंट जरा कैलकुलेट करवा दो, बताना जरा कैसे निकालूं। आप 5% ऑफ एमपी, चल मेरा बच्चे फटाफट बताओ जी, 5% का मतलब 5 पांच पांच परसेंट परसेंटेज को पहले मैंने फ्रैक्शन में लेके जाना है, कैसे लेके जाते थे? ओवर हंड्रेड वेरी गुड, 5/100। ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन, एमपी कितना है? 500 500। बता सकता है बेटा कितना बन गया, कि रुपयों में कितना बन गया? 25 25। वेरी गुड, ये 25 रुपए का मेरा डिस्काउंट है, तो yes. 500 रुपए एमपी था, डिस्काउंट 25 रुपए का हो गया, तो एसपी कितना आ गया बेटा? मैं 475 वेरी गुड, 475। तो इन सारी बातों से मैंने एक चीज निकाल दी कि जो मेरा एसपी है वो कितना है, 475 रुपए। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बता दो, मैम सबको समझ में आ रही है बात यहां तक? यस चलो यहाँ बैठो अपनी सीट पे। शिवम, आ जा बेटा, अब आधा काम तो आपका, मैं ये नीचे वाली चीज इरेज कर रही हूं, आधा काम आपका हो चुका, आपके पास अब सेलिंग प्राइस आ गया 475 रुपए, प्रॉफिट दे रखा है 25%, सीपी निकालना है, क्या करूं बेटा?
सीपी तो मुझे पता नहीं है, एक बात। दूसरा, जो प्रॉफिट दिया है, ये प्रॉफिट क्या दिया है मुझे? 25%। बेटा फिर से वही बात, क्या 25% से चल सकती हूँ क्या? पहले से रुपए में कन्वर्ट करना पड़ेगा मुझे। बोल बेटा शिवम, क्या 25% से काम चल जाएगा या मुझे इसको पहले रुपयों में बदलना पड़ेगा? मैम रुपये में बोल बदलना पड़ेगा। अब जो प्रॉफिट होता है बेटा, वो किसका परसेंटेज होता है? सीपी का, एसपी का, कि एमपी का? सीपी सीपी का। तो अगर मैंने प्रॉफिट को रुपए में बदलना है तो मैं कहूंगी 25% ऑफ सीपी, ठीक है? ऐसे ही कहूंगी। क्या यस सीपी पता है मुझे? मैम यही तो प्रॉब्लम थी, सीपी तो पता ही नहीं। अब जो चीज मुझे नहीं पता होती मैं उसको मान लेती हूँ। मैं मान लेती हूँ कि मेरा सीपी क्या ले लें, एक्स रुपए ले लें। यस जब कुछ नहीं पता तो मान लेते हैं पी क्यू आर एक्स वाई जेड, जो हमारा मन करे हम ले लेते हैं। अब मैंने कह दिया लेट सीपी इज, आई से लेट सीपी इज रुपीज एक्स। बता बेटा अब कैसे निकालूं सीपी रुपयों में? 25% का मतलब फ्रैक्शन, हाँ फ्रैक्शन में बदलना है, कैसे लिखूं 25? 25/100 25/100 ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन एक्स, तो क्या आ जाएगा ये? एक्स अपॉन 4, 25 से काट दूं तो एक्स बाय 4 आ गया। ये समझ में आई बात सबको कि नहीं? यस अब हम इतनी अपनी इक्वेशन पे चलते हैं। ये रुपयों में आ गया, ये मेरे पास रुपयों में आ गया। अब क्या सब कुछ को यहां डाल दूं? कोई दिक्कत तो नहीं है अभी? नो चलो जी फिर। शुभ कुमार, शुभ कर्म। हाँ शुभ कर्म, आ जा बेटा। बेटा ये जरा इक्वेशन में डलवा के सॉल्व करवा दे मेरे को। अब इस एसपी की जगह क्या लिखूं? मैं 475 चलो जी 475 रुपये लिख दिया। अब सीपी की जगह क्या लिखूं? एक्स एक्स, सीपी मैंने एक्स को माना है, बिल्कुल ठीक है। और प्रॉफिट कितना आया मेरे पास? अपॉन एक्स अपॉन 4। अब लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, इतनी तुमने 7th क्लास में सॉल्व कर रखी है, कर रखी है ना? यहां से मुझे एक्स निकालना है। थोड़ा सा समझा दे बेटा क्या करूं मैं आगे। करना। हाँ जी शुभ, जल्दी से बोलो क्या करूं? टू मैम 2x एक्स कैसे आया बेटा? 2x, 2x/4 ऐसे होगा? प्लस करके अच्छा, अगर मैं एक्स में एक्स अपॉन 4 ऐड करूं तो क्या बनेगा? 2x/4। मैम यस फ्रैक्शंस को ऐड कैसे करते हैं बेटा? हाँ एलसीएम तो पहले एलसीएम तो लिया ही नहीं आपने। देखो ये लाइक फ्रैक्शन तो है नहीं। लाइक फ्रैक्शन का मतलब अगर दोनों के नीचे सेम नंबर होता फिर तो हम ऐड सीधे सीधे कर सकते थे, लेकिन अभी क्या करना पड़ेगा? एलसीएम लेना पड़ेगा। बता बेटा एलसीएम क्या आएगा? मैम 4 बेटा इधर उधर से सुन के अगर आप जवाब दोगे ना तो जिसको आता है वो तो तुम्हें बता के निकल लेगा, तुम फिर फंस जाओगे कहीं जाके। नहीं आता तो मेरे से पूछ लो, मैं बता दूंगी। तुम यहाँ सीखने के लिए एक बात दिमाग में बिठा लो, हम कोई तुम्हें मारने वाले नहीं है, हम कोई तुम्हें डांटने वाले नहीं है। चीजें नहीं आती इसीलिए खड़े हैं, बताने के लिए, ठीक है जी? तो कोई इधर उधर से बताए उसको नहीं सुनना। नहीं आता तो पूछ लो कि मैडम मुझे नहीं पता कैसे लेना, मुझे बता दो, मैं बता दूंगी, ठीक है जी? यहाँ 1, यहाँ 4, दोनों में कॉमन कुछ है नहीं तो एलसीएम बन गया 4। अब आगे सॉल्व कैसे करूं बेटा? एक्चुअली क्या करना है पहले वो समझ ले बेटा। मैंने कहा अगर दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो तो हम सीधे सीधे ऐड कर लेते हैं। ध्यान से सुन बेटे, मतलब यहाँ नीचे 4 है, मतलब यहाँ भी 4 बनाना पड़ेगा। यस अगर मैं इसको 4 कर दूं, मतलब मैंने 4 से डिवाइड किया तो 4 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा।
ये बात बस एक स्टेप मेरे ध्यान से सब सुन लो, मैं ये सब कुछ हटा रही हूँ, हम सिर्फ कैलकुलेशन पार्ट पे जा रहे हैं अब। मैंने करना था सॉल्व, मेरे पास है 475 इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स बाय फोर। मेरे पास हमेशा लाइक फ्रैक्शंस ऐड होते हैं, लाइक फ्रैक्शंस का मतलब जिनके डिनोमिनेटर्स सेम। यहाँ चार, यहाँ भी चार बनाना है, यहाँ चार बनाया मतलब मैंने इस नंबर को चार से डिवाइड कर दिया। नंबर तो एक्स ही रखना है अपनी मर्जी से, तो मैं बदल नहीं सकती, तो मैंने क्या किया इसको चार से मल्टीप्लाई भी कर दिया। तो क्या इसको लिख दूं 4x/4 प्लस एक्स बाय चार, क्या ऐसे लिख दूं, कोई तकलीफ तो नहीं है, लिख सकते हो बेटा। यस अब ये नीचे सेम है तो ये नीचे सेम, ऊपर वाले अब सीधा सीधा ऐड हो जाएंगे, पहले नहीं हो सकते थे, पहले हमारे पास था एक्स प्लस एक्स बाय चार। अब अगर मैं इन दोनों को ऐड करके 2x/4 लिख दूं तो बहुत बड़ी गड़बड़ है। ऐसे कब कर सकते हो, जब दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो। यहाँ चार पड़ा था, यहाँ भी चार ही बनाना था, तो मैंने चार से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, ऊपर 4x बन गया, 4x+x 5x/4। इसका मतलब अब मेरे पास क्या आ गया, अब मेरे पास इक्वेशन बन गई 475 इज इक्वल टू 5x/4। बेटा ये बात समझ में आई है? मम्मी ऐसा चलो जी सीट पे चलो, फिर सिमरन आ जा बेटे, मुझे यहां से एक्स निकालना है, मुझे चाहिए सीपी, सीपी है मेरा एक्स, कैसे निकालूं अभी एक्स, मुझे एक्स की वैल्यू चाहिए बेटा, कैसे निकलेगी इस इक्वेशन में से एक्स। इस इक्वेशन को सॉल्व करके मैंने एक्स निकालना है, बता क्या करूं बेटा। मैम 475 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। 475 को चार से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड किससे करूं, एक यहां पे ध्यान से अब समझो, मेरे को एक्स चाहिए, जो चीज चाहिए होती है उसको एक तरफ रख देते हैं, बाकी सब कुछ दूसरी तरफ ले जाते हैं, ठीक है जी। ये चार इस तरफ नीचे पड़ा था तो दूसरी तरफ जाके किधर चले जाएगा, ऊपर। ये पांच जो ऊपर पड़ा था दूसरी तरफ जाएगा तो किधर चले जाएगा, नीचे। आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, ये समझ में आया कैसे लेके गए इधर उधर, ये बात समझ में आ गई है, ठीक है जी। फटाफट कैलकुलेट करो और आंसर बताओ मुझे क्या बनेगा। मैम 380 380, तो मेरे पास एक्स की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 380 रुपीज, तो ए हो गया मेरा आंसर, ठीक है जी। अभी तक ठीक है बेटा, चाहो सीट पे। पहले तीन क्वेश्चन में एक यही क्वेश्चन थोड़ा ऐसा था जिसमें आपको थोड़ा सा कुछ सोचने की जरूरत पड़ रही थी, पहले दो क्वेश्चन तो बिल्कुल सीधे सीधे क्वेश्चन थे। इन पहले तीन क्वेश्चंस में जिसको जो बात समझ नहीं आई है कृपया करके पूछो। क्वेश्चन एनी डाउट इन दीज थ्री क्वेश्चंस? नो। इसी के साथ साथ अब अगर आप देखते हो सातवां क्वेश्चन, पढ़ना जरा। सातवां क्वेश्चन बताओ जरा, ऑन व्हाट अ डिस्काउंट इज कैलकुलेटेड, ऑन मार्क्ड प्राइस। ये क्वेश्चन भी साथ ही साथ सॉल्व हो गया, डिस्काउंट किस पे कैलकुलेट होता है, मार्क्ड प्राइस पे कैलकुलेट होता है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखो जरा, क्या ऐसा ही क्वेश्चन सेम हमने क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने के लिए किया, ध्यान से पढ़ना। ओके, यू डोंट हैव द वर्कशीट। मैं अभी आपको, एक मिनट बेटा, मैं बताती हूँ, एक मिनट। हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। लो जी पढ़ो,
इन सेलिंग अ प्लॉट ऑफ लैंड फॉर रुपीज 61200 अ प्रॉफिट ऑफ 20% इज मेड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द प्लॉट। अब क्या दिया आपको, आपको मार्क कर लिया करो पहले क्या क्या चीज दे रखी है। ये क्या दिया है बच्चों, सेलिंग सेलिंग प्राइस ये दिया है रुपीज में 61200। दूसरा क्या दिया है मुझे, प्रॉफिट किसमें दिया है ये। तो परसेंटेज। अब मेरे को एक बात पता है, रुपए और परसेंटेज का तो काम है नहीं कोई, मतलब इन पहले परसेंटेज को किसमें बदलना पड़ेगा, रुपीस रुपीस में। अब हमें ये भी पता है कि प्रॉफिट जो होता है वो किसका परसेंट होता है, सीपी का। वेरी गुड, 20% ऑफ सीपी। क्या सीपी पता है मुझे, तो नो क्या करना होता है फिर मुझे, सीपी लेट सीपी इज एक्स एक्स, तो मुझे क्या निकालना है, 20% ऑफ सीपी। परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए इन अपॉन 100 ऑफ एक्स, तो क्या बन गया ये एक्स अपॉन फाइव। यहां तक क्लियर हो गया सबको। अब मेरे पास एक तो एसपी रुपयों में पड़ा है, मेरे पास प्रॉफिट भी रुपयों में आ गया, कितना आ गया एक्स अपॉन फाइव। कॉस्ट अब निकालना क्या है मुझे, कॉस्ट प्राइस। प्राइस। तो अब मैं वापस पूछती हूँ, किसको पूछूं, किसको याद है, अरमान। हाँ जी अरमान बोल बेटा, एसपी में सीपी में और प्रॉफिट में क्या रिलेशन था। अभी अभी करके हटे हैं, सेलिंग प्राइस प्रॉफिट होने पर क्या होता है, सीपी प्लस प्रॉफिट के सीपी माइनस प्रॉफिट। मैं सीपी माइनस धन्य है आप बेटा, जब प्रॉफिट होता है तो जो सेलिंग प्राइस होता है वो कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होना चाहिए कि कम होना चाहिए। एक मिनट उसको बोलने दो, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो जो सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से कम की ज्यादा, ज्यादा। आप तो कह रहे हो सीपी में से प्रॉफिट माइनस कर दूं, अगर सीपी में से कुछ माइनस कर दूंगी तो क्या सीपी से बड़ी वैल्यू मिलेगी कि छोटी मिलेगी। 100 रुपए सीपी है, उसमें से 15 रुपए निकाल दूं तो जो मिला 85 रुपए वो 100 से बड़ा है कि छोटा है, मैं छोटा छोटा। और अभी हमने कहा प्रॉफिट हो रहा है तो एसपी को कैसा होना है सीपी से, प्लस बड़ा। तो फिर क्या करूं, तुम्हारी प्लस बात। हाँ तो सीपी प्लस प्रॉफिट करूं कि सीपी माइनस प्रॉफिट करूं, आप अगर तुझे ये बात भूल गई ना फिर देखियो। मैडम आप मैथ पढ़ाते हो इनको, इससे ना अपने अगले 3 दिन तक रोज क्लास में जाते ही सबसे पहले यही पूछना है, एसपी सीपी प्रॉफिट एसपी सीपी लॉस में क्या फर्क है। जहां तुझे मैडम दिख जाए ना बेटे स्कूल में, जहां भी मिल जाए मैडम तेरे को, तूने मैडम को अपने आप ही बता देना कि मैडम ये होता है। समझ में आ गई बात, मैंने मैडम से रिपोर्ट ले लेनी कि अरमान ने बताया कि नहीं बताया, ओके पक्का। मैम। तो एसपी सीपी प्लस प्रॉफिट। अब बेटे जरा डलवाएगा क्या क्या पता था मुझे, फटाफट करो, आपकी क्लास का भी टाइम हो रहा है अगले का भी। हाँ जी एसपी की जगह क्या है मेरे पास, कहीं क्वेश्चन में एसपी दिया हुआ बेटा। रीड द स्टेटमेंट एंड फाइंड आउट, क्या एसपी दिया है कहीं पर। दो तीन चीजें दे रखी हैं, एक ये दिया है जो मैंने मार्क किया, एक ये दिया है, और ये तीन चीजें हैं जो हमें दिख रही हैं क्वेश्चन में। क्या इसमें से कोई एसपी है, कोई सेलिंग प्राइस है क्या मेरा, क्या है बेटा बोल। हाँ हाँ बोल बोल बोल। अच्छा, हाँ जी अब बताओ। प्लीज टेक
चल अभी बचने के लिए 6 1 2 0 0 बोल दे, इतना तो कर ले, थोड़ा तो ट्रिक्स भी सीखो। हाँ 61,200, 61,200, राइट। चलो जी, अब सीपी क्या लिया था मैंने, सीपी एक्स एक्स, और प्रॉफिट कितना आया? प्रॉफिट बता बेटे, यहाँ कहीं दिख रहा है प्रॉफिट? कहीं लिखा हुआ है प्रॉफिट कितना परसेंट? अब मुझे एक बात बता बेटा, ये सब कुछ रुपयों में, क्या ये 20% डाल दूँ यहाँ? अभी इतनी देर से मैं गा रही हूँ कि परसेंटेज और रुपए एक साथ नहीं जाते, तो क्या 20% लिख दूँ? लिख सकती हूँ क्या 20%? लिख दूँ बेटे, फिर तेरी तरह मेरे भी नंबर कट जाएंगे। लिख तो दूँ लेकिन नंबर कट जाएगा मेरा बच्चे। रुपीज में बता बेटा कितना है रुपीज में? ये क्यों निकाला हमने बेटा, ये ऐसे ही टाइम पास कर रहे थे हम, ऐसे ही मन किया कि चलो कुछ ना कुछ कर लेते हैं, ऐसे ही ध्यान नहीं है क्लास में, ये सामने से दिख रहा है कि नंबर क्यों नहीं आ रहे हैं। समझ में आ रही है अरमान की, नंबर क्यों नहीं आ रहे हैं? क्योंकि सुन ही नहीं रहे हैं हम क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, हमें जरूरत ही नहीं है। हाँ जी, कौन बताएगा मुझे कि क्या लिखना है मुझे यहाँ पर? मैम एक्स अपॉन फाइव। एक्स अपॉन फाइव, चलो सोया शेर जागा तो सही, एक्स अपॉन फाइव, ठीक है जी। चलो जी, ये हमारे पास आ गया एक्स बाय फाइव। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमने क्या निकालना है, एक्स एक्स 1200, एलसीएम लिया 5 आ गया, ये हुआ 5x+x, तो 61200 इज इक्वल टू 6x/5। यहां से एक्स निकाल सकते हैं, यस कितना आ रहा है निकाल, बात 31,000, ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन आपका, अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें तो सिक्स्थ क्वेश्चन, अगर थर्ड क्वेश्चन आपने किया तो सिक्स्थ बीच में अपने आप ही हो गया, वहां पर भी हमने यही चीज यूज की थी, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, ठीक है जी। चलो अभी आप यहीं तक हम इसको डिस्कस कर रहे हैं, बीच में अभी चौथे पांचवे, अभी तो खैर 4-5 क्वेश्चन ही हुए हैं। अब एक काम करना है सबने, ये जितने भी क्वेश्चन इसके बचे हुए हैं, आपके पास ये शीट है ना, घर पे तो है ना सबके पास, यस तो सबने ऑनेस्टली मेरे कहने से एक काम करना है, सबने ये क्वेश्चन दोबारा सॉल्व करने हैं, और अगली बार किसी ने किसी से पूछना कुछ नहीं है, जो तुम्हारे दिमाग में आए उतना काम करना है आपने, कॉपियां साथ में लेके आनी है, ठीक मैम है। जैसे नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं वो तो सॉल्व हो जाते हैं, पर असर्शन रीजनिंग्स एंड केस स्टडीज में कंफ्यूज हो जाते हैं। चलो 1-2 मिनट है मैम, क्या 2 मिनट ले सकती हूँ मैं? यस मैम चलो जी, अब असर्शन रीजन की बात करते हैं। 8वां क्वेश्चन पढ़ो जरा, सलीम, व्हाट एन आर्टिकल फॉर ₹784 विच इंक्लूड्स जीएसटी एट द रेट ऑफ 12%, ठीक है कैन जी। यू ओपन दिस क्वेश्चन सॉरी ऑन सॉरी 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 सॉरी, वेट अ मिनट, मैं भूल जाती हूँ कि आप लोगों के पास शीट नहीं है, एक सेकंड बच्चों। लो जी, सलीम, व्हाट एन आर्टिकल फॉर ₹784 विच इंक्लूड्स जीएसटी एट द रेट ऑफ 12%। जब हमने डिस्कशन की थी तो मैंने कहा था अगर इसमें जीएसटी इंक्लूडेड है तो इसको मैं बिल अमाउंट लेके चलूंगी कि सेल प्राइस लेके चलूंगी? बिल अमाउंट, और बिल अमाउंट क्या होता था? बिल अमाउंट मेरे पास होता है एसपी प्लस जीएसटी, ठीक है जी। तो एक बात तो आपको सामने से दिख गई कि जो स्टेटमेंट 2 है वो कैसी है, ट्रू, ये तो ट्रू है ही, ये तो समझ ही आ गया मुझे, मैंने यही फॉर्मूला, अब सिर्फ मैंने देखना क्या है, क्या ये फॉर्मूला लगा के मुझे सेम आंसर मिल गया कि नहीं मिल गया, बस इतनी बात मैंने देखनी, ठीक है जी। अब ₹784 ये मेरा बिल अमाउंट, इसमें 12% का क्या है जीएसटी जीएसटी, द प्राइस ऑफ द आर्टिकल बिफोर जीएसटी वॉज एडेड इज ₹700। तो अब ये ₹700 क्या है, इज इट एसपी, इज इट सीपी, इज इट वॉट? सी
मुझे कहा गया कि ये 700 रुपए क्या है, मैंने जब आर्टिकल में बिफोर जीएसटी, जब तक मैंने उसमें जीएसटी नहीं लगाया था, तो मेरे पास वो 700 रुपए था प्राइस ऑफ द आर्टिकल। तो ये 700 रुपए क्या है, इज इट एसपी और इज इट सीपी? सीपी। जीएसटी किसमें ऐड करते हैं बेटा? अभी आप देख रहे हो जीएसटी किसमें ऐड करते हैं? एसपी। अब मैं कह रही हूँ कि जब तक मैंने जीएसटी नहीं ऐड किया था, तो वो चीज 700 रुपए में मिल रही थी, तो ये 700 रुपए एसपी होना चाहिए कि सीपी होना चाहिए? एसपी। इसका मतलब ये है 700 रुपए। जीएसटी कितना है? ये 12% किसका है? जीएसटी किसका परसेंटेज होता है? किसका? एसपी का होता है, होता है एसपी का। तो अब मैं अगर जीएसटी कैलकुलेट करूं तो ये है 12% किसका? 700 रुपए का। कितना हो गया? 84। और 700 में 84 ऐड कर दूं तो 784 बन रहा है। तो जो मुझे बिल अमाउंट दे रखा था, क्या वो सही आ गया मेरे पास? अगर मैंने 700 को एसपी ले लिया, 12% के हिसाब से इसमें जीएसटी ऐड कर दिया, तो बिल अमाउंट 784 रुपये बन गया। तो पहला स्टेटमेंट ट्रू हुआ कि फॉल्स हुआ? ट्रू ट्रू हो गया। पहला स्टेटमेंट ट्रू है, दूसरा स्टेटमेंट भी ट्रू है। क्या दूसरा स्टेटमेंट पहले स्टेटमेंट को एक्सप्लेन कर रहा है? तो एस आंसर क्या हुआ? ऑप्शन ए। ऑप्शन है। अब मुझे बच्चों बस सिर्फ एक बात बताओ, मैं आई वुड लाइक टू अंडरस्टैंड कि प्रॉब्लम आती कहाँ है। अब वो सिर्फ असर्शन रीजन देख के हमसे नहीं होगा, ऐसा ही लग रहा है मुझे, क्योंकि बताया तो आप ही लोगों ने सब कुछ है, मैंने किया तो कुछ नहीं। वी गेट कंफ्यूज कि कौन सा एसपी है कौन सा सीपीएस। अब एक बात ध्यान से समझ लो, अगर आपको कहा गया कि किसी चीज का प्राइस इंक्लूडिंग जीएसटी है, इसका मतलब वो क्या होगा? बिल अमाउंट। बिल अमाउंट कैसे मिलता है? एसपी में जीएसटी ऐड करके। तो अगर मैंने कह दिया किसी चीज की प्राइस बिफोर एडिंग जीएसटी इतना है, तो वो हमेशा किसकी बात हो रही होगी? एसपी की हो रही होगी। समझ गए? तो यहाँ पे ये जो 700 था, ये आपका एसपी है, ये आपका जीएसटी का परसेंटेज है, और ये आपका बिल अमाउंट। चलो अगले, मैं सिर्फ तुम्हारे को तुम्हारे से पूछ रही हूँ, कैलकुलेशन पार्ट तुमने खुद करनी है। अगला जो हमारे पास है, फटाफट पढ़ लो एक बार, क्वेश्चन क्या कह रहा है अगला? अ शॉपकीपर परचेज 200 बल्ब फॉर ₹10, टोटल कितने में खरीदे उसने? मैम 200। 200 बल्ब लिए, ₹10 हर एक का कॉस्ट था, तो टोटल कितने पैसे खर्चे उसने? 2000। तो क्या मैं कह दूं कि ये 2000 जो है, ये मेरा सीपी है? उस बंदे ने ₹2000 में सामान लिया है, ठीक है जी? फिर क्या हुआ? 5 बल्ब वर फ्यूज्ड एंड हैड टू बी थ्रोन अवे। 5 बल्ब ऐसे निकल गए जो कुछ कर ही नहीं सकता था, खराब हो गए, उसको फेंकने पड़ गए। अब बाकी बच्चों को उसने कितने रुपए में बेचा? ₹12 में। तो कितने बच गए अब उसके पास बल्ब? 195। 200 में से 5 तो खराब हुए, 195 बच गए। और एक बल्ब को कितने रुपए में बेचा उसने? तो टोटल सेलिंग प्राइस कितना आएगा, बता सकते हो? कितने बल्ब बेचे? 195। कितने रुपए हर एक का? ₹12। तो टोटल कितने रुपए मिलेंगे उसको बेच के, कैसे निकालोगे? बोल दो। 195 को किससे मल्टीप्लाई कर दूं? 12 से, 2240। जो भी कुछ आ गया। यहाँ पे 200 रुपए, 200 बल्ब थे, एक को ₹10 में खरीदा, तो ₹2000 दे के खरीदे और बेचे कितने में? 195 इंटू 12 में। तो अब एसपी ज्यादा बड़ा आ रहा है कि सीपी बड़ा आ रहा है? तो क्या हुआ, उसको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ है?
प्रॉफिट। अब वो क्या बोल रहा है कि उसको गेन और लॉस परसेंट जो है ट्रांजैक्शन में वो 15% है। अब आपके पास एसपी आ गया, एसपी में से सीपी को माइनस कर दिया तो जो आया वो गेन आएगा कि लॉस आएगा आपके हिसाब से, क्या आ रहा है? गेन रुपयों में आया कि परसेंटेज में आया? परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ता है? इन 200 इंटू 100, और अपॉन में भी कुछ करना पड़ता है कि बस इंटू 100 करके काम हो जाता है? अपॉन पोस्ट प्राइस इसका मतलब ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा परसेंटेज में जाने के लिए। मैम तो बताओ ये स्टेटमेंट ट्रू ट्रू है कि फॉल्स है? नो। अब अगर मेरे पास जो यहां से आपके पास आ रहा है व्हाट एवर यू आर गेटिंग वो कैलकुलेट करके 15% ये आंसर बन गया तो पहली स्टेटमेंट भी ट्रू हो जाएगी। अब जरा निकालो फटाफट परसेंटेज में क्या आया। 195 इंटू 12 कितना बता रहे हो आ रहा है? 240 340 इसका मतलब कितने का प्रॉफिट हो रहा है उसको? 340 2000 में लिया, 2340 में बेच दिया तो कोई भी के बता सकता है कि 340 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। परसेंटेज निकालनी है। 340 अपॉन में क्या आएगा बच्चों? 2000 2000, क्योंकि सीपी पे कैलकुलेट होता है इसलिए 2000 आ गया। ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, तो कितने परसेंट प्रॉफिट? 17% लेकिन यहाँ क्या दिया है, सही है कि गलत है? पहली 15% स्टेटमेंट फॉल्स हो गई, दूसरी ट्रू हो गई, तो आंसर क्या बन गया? फॉल्स डी ऑप्शन बनेगा, सी एमसी बनेगा। पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, मतलब जो भी तुम्हारे को ये पता चल गया कि पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, सी बनेगा। इसका आंसर जो बनेगा वो आपका सी बनेगा। पहला स्टेटमेंट फॉल्स है, दूसरा ट्रू है, तो आंसर जो बनेगा वो बनेगा मेरा सी। अब मुझे बताओ दिक्कत कहाँ आती है, ये समझाओ तो सही, तभी तो मैं आगे कुछ करूं। क्या तुम्हें स्टेटमेंट को पढ़ करके समझ में नहीं आया कि हमें क्या करना है? और नहीं समझ में आया तो क्या समझ में नहीं आया ये और बता दो। अच्छा बात, जल्दी से बताओ क्या बात है जो समझ नहीं आती इसमें, ये समझाओ मुझे फटाफट से। क्या ये नहीं पता चला कि 200 खरीदे, एक का 10 रुपए था तो टोटल 2000 हो जाएगा, 200 रुपए से ही चल पड़े, करा क्या? ये तो बताओ क्या समझ नहीं आता, ये चीज तो समझाओ पहले। हम उसका सोल्यूशन तो निकाल देते हैं पर आगे जैसे गेन लॉस परसेंट फाइंड करना तो उसमें समझ नहीं लगता कैसे करना। चलो अब फिर से, इसमें इस पूरे चैप्टर में सिर्फ तीन बातें हैं। प्रॉफिट लॉस किसका परसेंट? सीपी का। डिस्काउंट किसका परसेंट? एसपी का। जीएसटी किसका परसेंट? सेलिंग बस जहां प्रॉफिट लॉस की बात आ जाए तो हमेशा क्या आना चाहिए, कॉस्ट प्राइस, दैट्स इट। जहां डिस्काउंट की बात आ जाए तो नीचे क्या आ जाएगा, मार्क्ड प्राइस। जहां जीएसटी की बात आ जाए तो क्या आ जाएगा, बस इतनी बात तो याद रख सकते हैं हम। चलो तो अगली बार ये अपना टेस्ट पेपर साथ में लेके आना बच्चों। हम ये नहीं कि हम आगे चलते जाएं और जो किया वो समझ ही ना आए, तो बड़ा फायदा नहीं है। सिर्फ एक काम करके आना, बच्चों YouTube पे के एडुकॉन ई लर्निंग करके चैनल है, उस पे जितनी भी हमारी यहाँ पे क्लासेस हो रही है वो सारी सारी अपलोडेड हैं, तो आप उनको जाके भी रिविजिट कर सकते हो, ठीक है? और कोई नई चीज समझ में आती तो क्लास में, देखो बच्चों आपके एंड पे काम होना जरूरी है, टीचर्स पूरा एफर्ट लगा रहे हैं, स्कूल वाले टीचर्स पूरा पूरा एफर्ट लगा के आपको काम करा रहे हैं, यहाँ पे वही चीज हो रही है, इसका मतलब काम आपके एंड पे करना बाकी है। जो डाउट होता है ना सबसे पहले उसे क्लियर करना जरूरी है। जब तक आप लोग अपने डाउट्स नहीं बताओगे तो समझ ही नहीं आएगा कि क्या चीजें हैं जो समझ नहीं आ रही, किसके ऊपर बात करें और किसके ऊपर ना करें। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? ठीक हाँ है जी। तो अपनी प्रॉब्लम बताओ पहले कि ये प्रॉब्लम है जी, ये ऐसे समझ नहीं आता, फिर हम उसके ऊपर उसका तरीका ढूंढे कैसे नहीं हमें समझ में आ रहा और क्या करना पड़ेगा। मैथ्स तो बच्चों देखो सिंपल और सिंपल प्रैक्टिस बेस्ड काम है, उसके बिना तो कुछ होना ही नहीं है।
तो आप लोगों ने सिर्फ बिना ये सोचे कि क्या ठीक क्या गलत होगा, ये टेस्ट के जितने क्वेश्चन अभी हम नहीं डिस्कस कर पाए हैं वो आप सबने ट्राई करने हैं, दैट्स इट। और जो क्वेश्चन लिखा कॉपी के ऊपर जहां अटक गए उसके साथ पहले लिख लो, क्या मुझे इसमें ये बात समझ में नहीं आई थी, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं सीपी लू, मुझे समझ नहीं आ रहा ये एसपी दिया है, मुझे समझ नहीं आ रहा ये एमपी दिया है, जो भी पॉइंट समझ नहीं आए 1 2 10 15 जो भी समझ नहीं आए वो सारे के सारे नीचे लिखो पहले। समझ में आ रही है मैं क्या बात कह रही हूँ? Yes. और अगली क्लास में मैं सबके इंडिविजुअल प्रॉब्लम लेने को तैयार हूं, पर इतना काम तुम्हें करके आना पड़ेगा कि इस क्वेश्चन में ये बात मेरी समझ में नहीं आई मैडम ये बताओ, पर पहले तुम्हारे एंड पे काम किया हुआ होना चाहिए फिर मैं काम करूंगी। हम एक चैप्टर पे पूरे तरह से टाइम लगा लेंगे तो बाकी चीजें अपने आप समझ में आनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि तुम्हें काम करने की आदत हो जाएगी, बस वही नहीं है वही डालनी है। समझ गए मैं क्या कह रही हूँ? अपनी प्रॉब्लम्स पहले खुद आइडेंटिफाई करना सीखो, वो मेरे से सॉल्व करवा लो, चाहे आप अपने स्कूल के टीचर से बात कर लो, सब कोई तैयार है आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, हम हैं ही इसीलिए कि आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट। पर प्रॉब्लम बताओगे तो आप लोग ना सॉर्ट आउट तो तभी करेंगे, मेरी बात समझ रहे हो बच्चों? थोड़ा सा टाइम लगाओ अपने ऊपर अपने काम के ऊपर, और ये चैप्टर अच्छा है, अगर इसको तुम एक बार समझ लोगे तो ये तुम्हारे दिमाग के जो खिड़कियां दरवाजे बंद करके बैठे हो ना ऐसे, वो खुल जाएंगे, वो हर जगह तुम्हारे को बेनिफिट देंगे। ठीक है, तो वी आर रेडी टू स्पेंड मोर टाइम ऑन द सेम चैप्टर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगली क्लास में सबके पास कॉपी होनी चाहिए, कॉपी में क्वेश्चंस किए हुए होने चाहिए, और जो जो प्रॉब्लम आई वो साथ में लिखी होनी चाहिए पॉइंट्स के साथ कि ये प्रॉब्लम आई ये प्रॉब्लम आई ये प्रॉब्लम आई, फिर वो सॉल्व ना हो तो बात करेंगे। ठीक है बच्चों? And we have to solve case studies also. यस, यू हैव टू ट्राई, नहीं आएगा समझ, यही तो है। देखो जब मैं करवाऊंगी तो समझ में आ ही जाएगा, क्योंकि जब मैं बता रही हूँ तो लगता है हाँ जी सब समझ में आ गई, बात तो ये है कि तुम्हें अपने आप से समझ में आए, और जो समझ नहीं आया वो पूछ लेना, बस बात खत्म। ठीक है बच्चों? Yes. चलिए ठीक है बच्चों, ओके जी, थैंक यू, थैंक यू टीचर, ओके बाय बाय। बाय।